मैं डॉक्टर जसलीन अरोड़ा, कंसल्टेंट न्यूरोटोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन अमनदीप मेडी सिटी ते हूँ। अज ब्रेस्ट फीडिंग डे ते सारियां नूं सत श्री अकाल कहिंदी आ। अज ब्रेस्ट फीडिंग डे ते, ब्रेस्ट फीडिंग वीक ते मैं ब्रेस्ट फीडिंग मतलब माँ दे दुध ते कुछ अपने विचार तुहाडे नाल सांझा करना चाहुंदी आ। ब्रेस्ट फीडिंग डे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ता हैगा है, जिहड़ा आपां अगस्त के पहले हफ्ते च मनाउंदे हां। यह जागरूकता करन वास्ते कि माँ दे दुध बच्चों वास्ते किन्ना कुछ जरूरी हैगा। पहले दो दिनों विच माँ का दुध बिल्कुल पानी पानी वर्गा आंदा है, पहले 48 घंटे च, जिन्हों आपां कोलेस्ट्रम कहिंदे हां। यह बिल्कुल पानी वर्गा हुंदा है ते बहुत सारे माँ प्यो इस करके डिस्कार्ड कर देंदे ने कि शायद आ दुध नहीं हैगा ते बच्चों नूं नहीं देना चाहिए। पर यह कोलेस्ट्रम एंटीबायबॉडीज च बच्चे की इम्यूनिटी बिल्ड करन च बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुंदा है ते बच्चे नूं आ कोलेस्ट्रम जरूर देना चाहिए। उस तो बाद तीजे चौथे दिन जाके माँ नूं सफेद दुध दुध वर्गा दुध आउंदा है, जिहड़ा दो पार्ट आंदा है, फोरमिल ते हाइंड मिल्क। फोरमिल च बच्चे की प्यास बुझदी है ते हाइंड मिल्क बच्चे दे पेट नूं भरदा है ते उन्हों भार वधाउण च हैल्प करता है। जदों आप बच्चे नूं फीड कराते हाँ, कोशिश करनी है कि आप एक साइड की ब्रेस्ट पहला टोटली एम्प्टी करिए ताकि बच्चे नूं फोरमिल्क ते हाइंड मिल्क प्रॉपर जान ते बच्चे का प्यास ही बुझे ते बच्चे नूं पूरी खुराक भी मिले जिहदे नाल बच्चे की सेहत वधदी ते फुलदी है। उस तो अलावा मैं कहना चाहवांगी कि बहुत सारे माँ प्यो यह सोचते हैं कि आप तारा वेख के दुध पिलावांगे जां पहला दो दिन दुध नहीं पिलावांगे, यह सारी धारणावां गलत ने ते बच्चे नूं पैदा हुंदे ही पहली गुड़ती माँ दी दुध दी दिओ ताकि बच्चे नूं इम्यूनिटी बिल्डिंग च अग्गे जाके अस्थमा की प्रॉब्लम, दमे की प्रॉब्लम, बारी बारी खांसी जुकाम लगना, बारी बारी दस्त लगना ते वड्डे होण ते बच्चियां नूं बीपी, शुगर ते हार्ट दी बीमारियां तो भी ज़्यादा दुध प्रोटेक्ट करता है। इस तों अलावा इहदे वास्ते माँ दे भी बहुत फायदे रहिंदे ने, जिवें माँ का खर्चा बचता है, तुहानूं बॉटल लैण की जरूरत नहीं, बारी बारी दुध गर्म करन की लोड़ नहीं, बॉटल स्टरलाइज करन की लोड़ नहीं पैंदी ते खर्चे तो अलावा माँ की सेहत ते इहदा बहुत ज़्यादा असर पैंदा है। माँ का यूटरस जिहड़ा हैगा है प्री प्रैगनेंसी स्टेट च, जिन्हों आपां कहिंदे गर्भ तो पहला जिहड़ी स्टेट है उहदे वापस आने च हैल्प करता है। माँ की ब्लीडिंग की जिहड़ी पोस्टमार्टम ब्लीडिंग है उहदे चांसिस घट करता है। माँ च पोस्टमार्टम डिप्रैशन जिहड़ा अजकल डिप्रैशन च कॉमन हो गया है उहदी चांसिस घट करता है। उस तो अलावा यह माँ नूं ओवेरियन ते ब्रेस्ट कैंसर दे रिस्क तो भी बचाउंदा है ते बच्चे तो अलावा माँ दे इन्ने फायदे होण करके सानूं बच्चे नूं सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही देना चाहिदा है ते 6 महीने तक बच्चे नूं एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड ही देना चाहिदा है। इहदा मतलब है 6 महीने तक बच्चे नूं कोई भी पानी देण दी लोड़ नहीं है या उस तों ग्लूकोज दी लोड़ नहीं है। माँ दा दुध एक पूर्ण खुराक है ते बच्चे नूं स्वस्थ रखता है। ब्रेस्टफीड आपां सीजेरियन तो बाद भी ते नॉर्मल डिलीवरी तो बाद आपां 1-2 घंटे दे विच विच जदों वी मदर कंफर्टेबल होए आपां स्टार्ट कर सकते हैं। इस तों अलावा जे मदर कंफर्टेबल है ते 1 साल तो लैके 2 साल तक बच्चे नूं माँ अपना दुध पिला सकती है। 6 महीने तक सिर्फ माँ दा दुध दिओ ते 6 महीने बाद आपां माँ दे दुध दे नाल नाल होर ढिड भरन वालियां चीज़ां जिवें कि सूजी खीर हो गई, दलिया हो गया, खिचड़ी होगी, दाल होगी, चौल हो गए, यहो जी खुराक बच्चे नूं आपां दे सकते हैं ताकि बच्चे की जिहड़ी ग्रोथ है वह प्रॉपर हुंदी रहे। माँ दा दुध ही बच्चों के लिए फर्स्ट टीकाकरण है ते बच्चे नूं कोई भी बच्चा यहो जिहा नहीं होना चाहिए जिहड़ा माँ दे दुध के फायदे तो वांझा रह जाए। तो ऐसे नाल मैं कहांगी कि सब तो इंपॉर्टेंट टीकाकरण पूरन खुराक माँ दा दुध बच्चे वास्ते अमृत है ते हर बच्चे नूं मादा दुध मिलना चाहिए। थैंक यू सारियां नूं ते फिर तो सत श्री अकाल।